Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोग इलाके में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों से परेशान थे, जिससे परेशान होकर ये लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तान पर इलाके में आतंकियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। जो पाकिस्तान के खुफिया अदारे जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर स्मगल कर रहे हैं, इनसे हमारी कौमी आजादी की तहरीक जो है वो सबोताज हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से पाक अधिकृत कश्मीर में आतंक खत्म कर लोगों को बेहतर शिक्षा देने की मांग की। मैं अपने बेटों को आजाद करना चाहते हो, तालीम देना चाहते हो, हस्तांतर देना चाहते हो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में सरकार ने किसी भी आदमी को नौकरी नहीं दी और न ही कोई सड़क स्कूल बनाया गया। इलाहाबाद में एक स्कूल के बाहर एक सड़क पर सैकड़ों छात्र नेट परीक्षा का पेपर हाथ में लेकर प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने नेट की परीक्षा करवाने वाले सेंटर पर पेपर लीक करने और परीक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और सेंटर के पास एक सड़क पर हंगामा करने लगे। इस दौरान छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। छात्रों ने परीक्षा करवाने वाले सेंटर के कर्मचारियों पर पेपर लीक करने का आरोप लगा दिया और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। में कोई भी सील हम लोग को अंदर से नहीं मिली, जब पेपर काटा गया उसमें कोई सील नहीं थी, इसलिए महोदय ये परीक्षा रद्द की जाए। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस वालों के सामने भी हंगामा करते रहे। तभी वहां बीजेपी विधायक संजय गुप्ता पहुंच गए और छात्रों को मामले की जांच करवाने का भरोसा दिलाया। मुकदमा भी लिखा जाएगा, उस दोषी सेंटर के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी और इनकी परीक्षा पुनः फिर से कराई जाए। हम लोग अधिकारियों से संबंध में वार्ता कर रहे हैं। बीजेपी विधायक से भरोसा मिलने के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया, जिसके बाद सड़क पर लगा जाम खुल सका। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कुछ महिला पुलिसकर्मी जमीन पर पड़ी कुछ लड़कियों को उठाकर ले जाने लगी। वहां महिला दरोगा भर्ती के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दौड़ते वक्त भीषण गर्मी और उमस की वजह से 103 उम्मीदवारों में 7 महिला उम्मीदवार बेहोश हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग बेहोश हुई लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिरी लड़कियों के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे तो कुछ लोगों ने पीठ थपथपाकर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। इनको रिलैक्स कराइए, रिलैक्स कराइए। जिसके बाद कुछ लड़कियों को महिला पुलिसकर्मी उठाकर ले जाने लगी, जबकि कुछ लड़कियों को स्ट्रेचर पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया। सीतापुर में पिछले 3 दिनों से जारी दरोगा भर्ती दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई अब तक 25 से ज्यादा लड़कियां बेहोश हो चुकी हैं। गुजरात के कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगे हरामी नाला इलाके में सीमा सुरक्षा बल ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा है। बीएसएफ ने गश्त के दौरान सीमा के पास पाकिस्तानी नाव को देखा और नाव को अपने कब्जे में लेकर नाव में मौजूद 3 लोगों को पकड़ लिया। यूपी के बलिया में बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्नाव गैंगरेप मामले पर बयान देते हुए सुरेंद्र सिंह ने दावा किया कि अगर भगवान राम भी आ जाएं तो रेप की घटनाएं नहीं रुकेंगी, जिसके बाद उन्होंने रेप की घटनाओं का समाज का प्रदूषण बताया और रेप की घटनाओं को रोकना असंभव बता दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगवान राम भी आ जाएंगे, जब राम भी आ जाएंगे तो ये घटना पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार करते हुए विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है ऐसा कह के, क्योंकि राम राज्य में ना बलात्कार होता है ना हत्या होती। वहीं संत समाज के लोगों ने भी बीजेपी विधायक के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व सीएम एनडी तिवारी की तबीयत खराब। यूपी के उत्तराखंड में पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जहां किडनी फेल होने की वजह से एनडी तिवारी को डायलिसिस पर रखा गया है। मलेशिया के प्रत्यर्पण से इनकार के बाद जाकिर नाइक ने वहां के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद से मुलाकात की। मेघालय के पूर्व राज्यपाल एमएम जेकब के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 में देश से करीब 55,000 बच्चों को अगवा किया गया और ये आंकड़ा एक वर्ष पहले के आंकड़ों के मुकाबले 30% अधिक है। उड़ीसा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। कानपुर के गंगा बैराज में नहाने गए 6 बच्चे पानी में डूब गए, जिनमें 3 की लाश बरामद कर ली गई है जबकि 3 की तलाश अभी भी जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने नोएडा दौरे में सैमसंग कंपनी के नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाई भी खास मेहमान बनकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते ही दिल्ली से नोएडा जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाई के यूपी दौरे से पहले ही सीएम योगी ने रविवार को तैयारियों का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक नोएडा में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक खेत से 10 फीट लंबे अजगर को पकड़कर बाहर निकालने लगे। आरोप है कि अजगर ने वहां एक बकरी को जकड़ लिया था, जिसकी खबर मिलते ही गांव में रहने वाले लोग बकरी को बचाने के लिए वहां जुट गए। अजगर इतना लंबा और भारी था कि उसकी जकड़ से बकरी को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस दौरान लोग बकरी की जान नहीं बचा पाए। इसके बाद कुछ लोग मिलकर अजगर को उठाकर ऊपर ले गए। उसने एक बकरी मुंह में दबा रखी थी। गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद इससे बकरी छुटाई और बकरी छुटाने के बाद फिर खेत के रास्ते फिर मुझे गांव में रहने वालों का दावा है कि इसके बाद अजगर को इलाके से दूर छोड़ दिया गया। गुजरात में बन रही दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने की तैयारियां आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। सरदार पटेल की ये प्रतिमा 182 मीटर ऊंची होगी, जिसका अनावरण 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अनावरण से पहले प्रतिमा का निरीक्षण किया। इस मूर्ति की नींव 2013 में गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 5 साल में इतनी ऊंची प्रतिमा बनाना भी एक रिकॉर्ड होगा। इस प्रतिमा का 85% काम पूरा हो चुका है। अब तक इस प्रोजेक्ट पर करीब 3,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कल कमलों से हम 31 अक्टूबर 2018 को इसको लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं। भारत में जो कोई भी बाहर से टूरिज्म के लिए आएंगे अवश्य उसको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा अमेरिका में जो लगा है उससे भी बड़ा यहाँ बना हुआ है। सागर में दलित परिवार के 7 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सागर में जमीन विवाद की वजह से दलित परिवार पर हुए हमले में परिवार के 7 लोग घायल हो गए। बिहार के खगड़िया में कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गायिका का प्रोग्राम रद्द होने की वजह से नाराज लोगों ने पंडाल और जनरेटर में आग लगा दी। छत्तीसगढ़ के रतनगढ़ में 80 साल की दादी और 18 साल की पोती का शव घर के 2 कमरों में मिला, जिनकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में धोनी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 कैच लपकने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए। साथ ही धोनी ने इस एक टी20 मैच में विकेट के पीछे 5 कैच लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। हरारे में टी20 ट्राई सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। चोट की वजह से करीब 2 साल बाद वापसी करने वाली भारत की जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने FIG आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के रतलाम स्टेशन पर रेलवे पुलिस के कुछ जवान ट्रेन के एक डिब्बे से 2 लोगों को पकड़कर ले जाने लगे। देहरादून एक्सप्रेस में सफर कर रही एक लड़की ने इन दोनों पर पर्स चोरी का आरोप लगाया, जिसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और रतलाम स्टेशन पर दोनों को रेलवे पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस की मौजूदगी में ही पीड़ित लड़की और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एक आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी गैंग है सर। लड़की ने दोनों पर पर्स चोरी करने का आरोप लगाया। 7 लोग खोजे उसे तो वॉशरूम में पर्स मिला, सारा सामान मिला और पैसा और घड़ी लड़के के पास से मिला। लड़की ने स्टेशन पर ही लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रेलवे पुलिस जांच में जुट गई। चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी देहरादून एक्सप्रेस में, तो 2 लोगों को लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपियों में एक रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। दिल्ली के नरेला में एक गली में जमीन पर बैठी 2 महिलाएं एक दूसरे से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि उस परिवार में मामूली विवाद पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार की महिलाएं बदहवास हो गईं और वहां मातम पसर गया। साथ ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। दावा है कि आरोपी के बड़े भाई और उसके पिता के बीच बहस हो रही थी, जिसमें बड़े भाई ने पिता को अपशब्द कहे, जिस पर छोटे भाई को गुस्सा आ गया और उसने चाकू लाकर बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वो बोला क्यों बोल रहा है पापा को, दूता पर मारा भाई, चाकू निकाल के ऐसा मार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को जब्त कर लिया। अपने बड़े भाई की हत्या का आरोपी भाई फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। गिरिडीह में नक्सलियों पर CRPF की कार्रवाई।
झारखंड के गिरडीह में सीआरपीएफ ने नक्सलियों के चार बंकर तबाह कर दिए और एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के पटना में रोडरेज मामले में मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ की गई। झारखंड के कोडरमा में फर्जी डॉक्टर के इलाज से मौत के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। अपने टी20 करियर का तीसरा शतक जड़ते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 56 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। यूपी के इलाहाबाद में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और आईजी रमित शर्मा के बीच बहस होने लगी। इलाहाबाद पहुंचे राज्यपाल से मिलने गए बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपनी गाड़ी को बैरियर पर रोके जाने से नाराज दिखे, जिसके बाद वहां पहुंचे आईजी रमित शर्मा विधायक को समझाने लगे, लेकिन कार में बैठे हर्षवर्धन वाजपेयी मानने के बजाय आईजी पर ही भड़क गए। हालांकि आईजी रमित शर्मा ने विधायक को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बहस बढ़ती चली गई। इस दौरान वहां खड़ा आदमी अपने मोबाइल से इस बहस का वीडियो बनाने लगा, जिसको देखकर आईजी ने विधायक को शांत होने की सलाह दी, लेकिन विधायक आईजी को अपने अधिकारियों को ही समझाने की सलाह देने लगे।